लतजीदन नद्दन ना सियादा व तदी न आमन क़ुरान कह रहे कि सबसे ज़्यादा इस्लाम से दुश्मनी करने वाले गैर मुस्लिमों में यहूदी हैं इस्लाम की सबसे ज़्यादा दुश्मनी किन के दिलों में हैं यहूदियों के वधी न अशरकू और फिर उनके बाद दूसरे गैर मुसलम जो मुशरक़ हैं लेकिन ग़ैर मुसलमों में इस्लाम के जो सबसे ज़्यादा करीब हैं अल्लाह ने उनके बारे में फ़रमाया कलु इन्ना नसारा वो लोग हैं जो अपने आप को नसारा कहते हैं नबी के दौर के जो ईसाई थे वो अपने आप को नसारा कहते थे नुसरत से कि ईसा के मददगार तो इसमें क़ुरान ने बताया कि इस्लाम के सबसे क़रीब तरीन मज़हब जो है और इस्लाम के सबसे करीब तरीन लोग जिनके दिल में इस्लाम की नफ़रत सबसे कम है वो ईसाई लोग हैं और ये एक हकीक़त है कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाले जो गैर मुस्लिम हैं वो क्रिश्चन ईसाई आपको मिलेंगे वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितने लोग मुसलमान होते देखे ना उनमें नवे फ़ीसद ईसाइयों को देखा है इस्लाम कबूल करते हुए उसकी वजह क्या है एक वजह तो क़ुरान ने यहाँ बयान की है और एक और वजह जो एक ग्राउंड रियलिटी है एक जो वजह जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जिस कौम में सच्चे पैगंबरों का इनकार कम से कम होगा उसकी नाफ़रमानी कम है ईसाई जो हैं हज़रत पर ईमान लेकर आए थे उनकी नबूवत के दलाइल इन्होंने अपनी आँखों से देखे और उनको नबी माना और आपसे पहले भी तमाम पैगम्बरों को नबी माना जबकि यहूदियों ने एक सच्चे पैगम्बर हज़रत इनकार किया तो इतनी बड़ा इतना बड़ा जुर्म के उनका दिल जो था वो ईसाइयों की नस्बत ज़्यादा सख्त हो गया ईसाइयों ने एक पैगंबर का इनकार किया है मोहम्मद अलैहि वसल्लम का और यहूदियों ने हज़रत भी इनकार किया तो जो डबल मुजरिम होता है उसकी तोबा का इम्कान कम होता है जो सिंगल मुजरिम होता है उसकी तोबा का इम्कान ज़्यादा है उसका जुर्म नस्बता हल्का है और जो बाकी दुनिया में मशरकिन हैं वो तो सिरे से पैगम्बरों के सिलसिलों को मानते ही नहीं हैं वो मानते ही नहीं है तो वो उनको तो पहले ये बावर कराना पड़ता है कि अल्लाह ने पैगम्बर दुनिया में भेजे हैं जिनकी ये ये लिस्ट है यहूद नसारा तो पहले से इस सेटअप को मानते हैं अब सवाल पैदा होता है इस लिहाज से तो यहूदियों को मशरिकीन के बाद इस्लाम का दुश्मन होना चाहिए क्योंकि यहूदी तो पैगम्बरों के सिलसिलों को मानते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए यानी प्रैक्टिकली जो यहूदियों का मजहब है वो अमली तौर पर इस्लाम के आज भी ज़्यादा करीब है यहूदी ज़बह करके खाते हैं जो मजहबी यहूदी हैं वो सूअर का गोश्त नहीं खाते वो नमाज़ भी पढ़ते हैं वो वज़ू भी करते हैं नेट पे देख लें आप यहूदियों के वज़ू नज़र आएगा आपको तो फिर तो यहूदियों को चलो ईसाइयों की नस्बत करीब नहीं होते कम अज़ कम हिंदुओं और दूसरी कौमों की नस्बत इस्लाम के, के ज़्यादा करीब होना चाहिए था यानी महब्बत के अतबार से लेकिन वह सब दूर इसलिए हैं कि इस्लाम ने उनकी चौधराहट को ख़त्म किया है आके क्योंकि उनका अपने बारे में ख़्याल ये था कि हमारे अंदर इतने बड़े बड़े पैगंबर मूसा सुलेमान दाऊद्लम सलाम ये सारे हमारे हैं और बैतलमस हमारा क़िबला था ये हमारे कंट्रोल में था यहाँ हमारी खिलाफत क़ायम हुई थी तो हम एक उम्मी नबी पर कैसे ईमान ले आएं तो इस जेलिसी की वजह से हसद की वजह से वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं बाक़ियों की तो दुनिया पे हुकूमतें हुई नहीं है ना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया पे राज आसमानी मज़हबों ने किया याद रखो दुनिया में जो खिलाफ़तें बड़ी बड़ी क़ायम हुई हैं ना वो किन की जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग थे और ये एथियस कितने बड़े हट धर्म हैं ये कहते हैं ईसा मूसा नाम की कोई शख्सियत दुनिया में गुजरी है ही नहीं ये इतना बड़ा झूठ है ना कि जिनके फॉलोअर्स आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं उन शख्सियतों तो का ही सिरे से इनकार कर देना ये जिद और हठधर्मी धर्मी है तो इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब कौन है ईसाई एक वजह तो मैंने बताई कि उनका जुर्म नस्बता कम है दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें उनकी मजहब का हिस्सा हैं जिनकी वजह से उनमें तकबुर दूसरों की नस्बत कम है इंसान हक़ का इनकार करता है तकबर की वजह से बड़ाई की वजह से हम चुमा दीगरे नीस्त मुझ जैसा कोई नहीं है मैं क्यों दूसरे को मानूं? तो अल्लाह फरमाते इन में ज़िद और हर धर्मी का जो रेशो है दूसरी कौमों की नस्बत कम है रास्सी सीना व रोहबान व अनना हम ला यकबिर वजह क्या है इनके मजहब में रहबानियत थी दुनिया से बेरगबती दुनिया की लालच दुनिया पैसा दौलत इससे दूर यहाँ तक के जो पादरी होते थे जो असल राहिब, वो जंगलों में जाके अल्लाह की इबादत किया करते थे और दुनिया की महब्बत जो है वो हर बुराई की जड़ है हर बुराई की जड़ क्या है तो जिसके मजहब ही हो दुनिया से बेरगबती हती के ईसाई मजहब में शादी भी कोई अच्छा काम नहीं है कहते हैं बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजार सकते हो औरत से दूर पाक दामन तमीज से अच्छे बच्चों की तरह ये ज़्यादा अच्छा है तो वो वो कहते हैं ये शादी भी क्या है अयाशी ये इनके मजहब में असल में था नहीं बाद में इन्होंने डाल दिया है लेकिन बहरहाल इसकी बेस तो ये थी ना कि इशरत से दूर रहना है तो इसका नतीजा कम अज़ कम ये जब ये चीज़ इंसान में होती है वो सही हो या गलत एक अलग बात है लेकिन उसका जो नतीजा निकलता है वो ये कि इंसान में दुनिया की मोहब्बत नहीं रहे वो पहले से कुर्बानी देने के लिए आमादा है और ये जो तकबर वाली बात है ना कुरान कह रहा है वह अन हम ला यस्त बिरून ये तकबर नहीं करते यानी मेजोरिटी की बात हो रही है ना हर एक की बात तो नहीं हो रही जब भी किसी कौम पर कोई हुक्म लगाया जाता है तो ये नहीं कि एक एक फ़र्द ऐसा है बल्कि अमूमी तौर पर यह माहौल है उनके अंदर तो ये चीज़ आज भी आपको गोरों में नज़र आएगी जो ईसाई है ना उनमें आपको ये चीज़ आज भी नज़र आएगी जब आप उनसे बात करेंगे कम से कम तमीज़ से बात सुनेंगे आपकी माने ना माने अलग बात है डिबेट करेंगे बहस करेंगे लेकिन दूसरे मज़हब वालों को छेड़ के देख लो आप ऐसा लगेगा जैसे हजार वोल्ट का आपको झटका लगा है मैं अभी सवाद गया ना तो मुझे वहाँ कोई बड़ा होटल था तो वहां के मैनेजर थे या कोई मुलाजिम थे उन्होंने बताया कि बड़ी एलईडी पर मेरा बयान लगा हुआ वा था वहां सवात में ना होटल में किसी उन्होंने लगा दिया होगा तो गोरा सुन रहा था वो तोहहीद पर बयान था और उसका नीचे ट्रांसलेशन भी चल रही थी तो कह रहे हैं वो गोरे ने सुना उसने बोला यार ये तो बड़ा जबरदस्त बयान है मुझे इन मुफ्ती साहब से मिलाओ तो कह रहे मेरे पास नंबर नहीं था आपका कोई रहा नंबर नहीं था वरना मैं मिलाता तो देखो ये गोरे ने सुना ना उसने फॉरन पॉजिटिव कमेंट्स दिए मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं में अच्छे लोग नहीं होते एक मेजॉरिटी की बात करो, बहुत से हिंदू भी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं बहुत से एक सिख भी सुनते हैं बहुत से यहूदी भी सुनते होंगे सारे एक जैसे थोड़ी हैं लेकिन उमूमी माहौल आपको ईसाइयों में जिद और हट धर्मी का नस्बता कम नज़र आएगा और ये एक हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाला मज़हब कौन सा है ईसाई वो करीब हैं इस्लाम के